साथियों, मैं जो आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, बच्चों आज भी मैं आप लोगों को वर्ब निकालना ही बताने वाली हूँ। तो आप लोग सोचो कि मैं पिछली वीडियो में तो बता दिया था, तो शायद मुझे ऐसा लगा कि पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी, ऐसा तो मैं कहने रही कि मैंने गलत बताया था बच्चों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोग उस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं, क्योंकि मुझे बताते वक्त भी ये चीज़ अनुभव हो रही थी। तो उस कन्फ्यूज़न को आज मैं यहाँ पे बिल्कुल से दूर करने के लिए इस वीडियो को लाई हूँ, और साथ ही साथ कुछ नया भी सिखाऊंगी, ये नहीं कि वही चीज़ ही बताऊंगी। बच्चों यहाँ पे मैं आपको, आप लोगों को 1 से लेकर 1000, 5000, 10000 किसी भी संख्या का आप निकालना चाहो तो वर्ग निकाल सकते हो। साथ ही साथ जो पिछले वीडियो में शायद आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन बन गया था, उसे मैं यहाँ पे दूर करूंगी। तो सबसे पहले यही, पहले हम लोग पिछले वीडियो का कन्फ्यूजन आपके लिए दूर करते। तो मैंने आपको कल 2 डिजिट मतलब 2 अंकों वाले वर्गमूल निकालना बताया था, यानी कि हम लोग 1199 तक का वर्ग कल मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए कोई एक संख्या ले लेते हैं और उस कन्फ्यूजन को आपको हम दूर कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे करना क्या है, देखिए मैंने 2 तरीका निकाला था। जब मैंने क्लास कल बंद की थी तो मैंने नोटिस किया था यार कि इसको हम ऐसे कर ले तो बच्चे शायद कम कन्फ्यूज या फिर कन्फ्यूज ही ना हो। देखिए कैसे करेंगे, सपोज करिए अगर हमसे 55 का पूछ रहा है कि 55 का वर्ग बताइए, क्या बताइए, 55 का वर्ग बताइए बच्चों। तो अब देखिए आप लोग करोगे कैसे, तो मैंने कल क्या आप लोगों को बताया था, तो सबसे पहले इसका वर्ग लिख लीजिए, फिर इसका वर्ग लिख लीजिए, ठीक है, फिर इन तीनों का गुणा कर, तो 25 × 50 पता है, इधर के अंक को छोड़ के ऐसे लिख लीजिए, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा, यानी 30 × 25 किसका वर्ग है, 55 का। बच्चों ये तो सिंपल था, यहाँ पे तो 4 डिजिट आए थे तो इधर का छोड़ के इधर बढ़ाते चलेंगे। लेकिन बच्चों कन्फ्यूजन वहां तैयार हो जाती है जब यहाँ पे 3 डिजिट आ जाता है। कई बार 3 डिजिट आ जाता है तो वहां पे कन्फ्यूजन बरकरार रह जाती है। जैसे कि आप यहाँ समझिए, जैसे कि हमें यदि 12 का वर्ग निकालना हो, हमें पता तो नहीं है, मान लीजिए कि हमें 12 का वर्ग 144 होता है, ये बात हमें नहीं पता, हमें निकालना है, तो अभी क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। लेकिन बच्चों इसका वर्ग 1 होता है और इसका वर्ग 4, आप जानते हैं, आप ना ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे ना लिख के, अगर आप ऐसे लिखो तो कोई फर्क पड़ जाएगा, अब बताइए क्या, अब कोई फर्क पड़ा भाई, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस मैंने 2 डिजिट दे दिए ताकि आसान हो जाए। अब चलिए इन्हीं तीनों का गुणा कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, पता है यहाँ नहीं लिखा जाता है, बस ऐसे ही आप सब कर लोगे, जो कल कंफ्यूजन थी वो आज दूर हो गई बच्चों, ठीक है। ऐसे चाहे जितनी संख्याओं का आप निकाल लीजिए, सपोज करिए हमें यहाँ 32 का निकालना है, ठीक है, 32 का, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 3 × 9 हो जाएगा, यहाँ 2 × 2 = 4, लेकिन अगर हम 2 2 अंक ले ले तो ज्यादा सही हो जाएगा, तो अपर भी 3 का वर्ग और ये 2 का वर्ग, इन तीनों का गुणा कर लीजिए, 3 × 6 × 12, यहाँ ना लिख के ऐसे लिखना स्टार्ट कर लिए, 10 × 24 वर्ग होता है 32 का। अगर तो इस प्रकार से आप करोगे तो कभी कोई सवाल गलत नहीं होगी। अगर नहीं भी आया तो बच्चों तो मैं दूसरा मेथड आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिससे आप किसी भी अंक का वर्ग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम वर्ग निकालेंगे, अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि जो पूर्ण संख मतलब कि एक प्रकार से पूर्ण वर्गमूल होता है, एक पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, जैसे कि √3 का वैल्यू क्या होगी, आई मीन √3 का वर्ग ये किसका होगा ना, और √5 का, √7 का, √11, इन सब सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी इस वीडियो में जो चीजें हम लोग सीखने वाले हैं वो, और बड़ी संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे, ये तो ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये केवल 2 अंक के लिए काम करेगी, लेकिन इसके बाद का जो मेथड है बच्चों वह किसी भी अंक के लिए काम करेगी, मैं उसके लिए कोई सीमा नहीं दे रही हूँ। वो कहती है मुझसे चाहे जिस संख्या का वर्ग तुम निकाल लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो अब आप कहोगे कि है क्या नियम, तो चलिए फिर आइए आप लोग को जल्दी से फटाफट बता देते हैं, मन में गुदगुदी हो रही होगी। चलिए कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 32 का वर्ग निकाला था, ऐसे इसको 09 04, इसको गुणा किया था तो क्या आया था, 3 × 6 × 12, जोड़ा था तो 10 × 24 ना। चलिए अब दूसरे मेथड से आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार 32 का जो वर्ग है दूसरे मेथड से क्या आ रहा है। दूसरा मेथड बच्चों थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, बट अगर वो आ गया ना तो
तो ये सारा सब कुछ फेल हो जाता है। वैसे फिलहाल बच्चों तो आपको बता दूं, इतना बड़ा ज्यादा वर्ग पूछता नहीं है 1000-2000 का, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है, हम जान लेते हैं। जैसे कि मेरी, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा था तो मैं सोचा मैं 118 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते बच्चों, गलत हो जाता है। जहां तो मतलब कुछ ही एलिमेंट तक सीमित हो जाता है। तो चलिए इधर देखिए, हो सकता है निकले भी बच्चों, बट जिस नियम से मैं निकल उस नियम से तो आप कभी नहीं कर सकते, इसमें मेरा गलत हो जा रहा है। अब चलिए यहाँ पे आप लोगों को दूसरे मेथड से हम लोग 32 का वर्ग निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। अब करोगे क्या, तो यहाँ पे आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझना है बच्चों, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। यहाँ तो मान लीजिए कुछ नहीं कर रहे थे, यहाँ इस नियम के लिए सबसे पहले तो आपको 1 से लेके 5 तक घन आना चाहिए, सॉरी वर्ग तो पक्का आना चाहिए, उसके बाद ही आप इसे कर पाओगे। तो करोगे क्या, इसके अगल बगल वाली, इसके सबसे नजदीक की, ये जो संख्या है इसके सबसे नजदीक की ऐसी संख्या ढूंढो जिसके पीछे 0 हो। इसके सबसे नजदीक की ऐसी संख्या ढूंढो जिसके जिसमें क्या हो, पीछे 0। तो आप कहोगे मैम 30 है या तो उधर 40, लेकिन 30 ज्यादा नजदीक है तो 30 ही लेंगे। अब बताइए 30 कब आएगा, बताइए हमें भाई, जब इसमें हम लोग 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तभी 30 आएगा, है ना। तो आप करोगे क्या कि जो 2 आपने घटाया है वही 2 आपको जोड़ना पड़ेगा, और उसी का वर्ग भी यहाँ ऐसे किनारे पे लिख लीजिए, नहीं मत ही लिखिए, अभी बाद में बता दूंगी। इतना कर लिया कि भाई 32 में 2 घटाओगे तभी 30 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और यही जो आपने घटाया होगा वही जोड़ देना। कई स्थिति में यहाँ हो जाता है कि यहाँ प्लस, तो जो यहाँ प्लस किया होगा वो यहाँ घटा देना। अभी सारा कुछ बताऊंगी, मैंने यहाँ पे देखिए कोई भी लिस्ट वगैरह हाथ में नहीं ली है, मेरे मन में जो आएगा मैं लिख दूंगी। बहुत लोग होते हैं कि पहले से करके आते हैं वही बता देते हैं, और बच्चों की कंफ्यूजन बनी रहती है कि यार इसका कैसे होगा, इस पे तो ये नियम लग ही नहीं। तो मैं सारा कुछ बताऊंगी, जो आएगा मैं वो लिखते चले जाऊंगी, आप लोगों के सामने उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो अभी पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद प्लस वाला बताएंगे कि जब ऊपर प्लस, तो यहाँ जो माइनस किया था वही यहाँ प्लस। देखिए तो अब 32 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, गुणे का चिन्ह लगाइए, 32 में 2 जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ इस वाली संख्या के 0 को काट देना, पहली वाली संख्या के जितने भी 0 हो काट देना। मैंने जितने भी क्यों कहा, कई बार यहाँ पे 2 0 3 0 भी आ जाते, तो 1 0 है, तो बताओ ये कटेगा कैसे, यानी इसमें हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। चलिए काट दिए, अब बचा 3 गुणे, इसको गुणा करते हैं, 3 चौके 12 हासिल 1 आ जाएगी, 3 3 9 1 10 आ गया, क्या आ गया 10, यानी 34 का जब हमने 3 में गुणा किया 112 आ गया। बचा हमारा इधर 4, जो संख्या मैंने बढ़ाई और घटाई थी उसका वर्ग किया था, अब उस 4 को डायरेक्ट यहां लिख लीजिए, बस बात खत्म। या तो बच्चों आप लोग इसको ऐसे भी ले सकते हो, 04 लिख लो, क्या लिख लो, 04 लिख लो, लेकिन ध्यान रहे कि तुमने यहाँ 1 0 से काटा था, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 0 था, तो 1 0 से जब काटा था तो एक ही अंक, पीछे वाला एक अंक जुड़ेगा, आगे वाला अंक कैरी चला जाएगा, तो पीछे वाला अंक मैंने यहाँ जोड़ दिया और आगे वाला अंक कैरी, यानी 102 में 0 जोड़ोगे तो 102 ही आएगा। और देख लीजिए 4 को ला के डायरेक्ट इसके बगल में रख दिया, यहाँ देख लीजिए 10 24 32 का वर्ग है, यहाँ भी 10 24 32 का ही वर्ग है। ये जो मेथड है सभी संख्याओं के लिए लागू होता है, लेकिन ये सभी के लिए लागू नहीं होता है, ये सिंपल माना जाता है बच्चों, ठीक है। ये अभी आगे जाके और बड़ा होता जाएगा, लेकिन निकालने का अच्छा तरीका है। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और भी दिखाते हैं बड़ी संख्याओं थोड़ा। देखिए अब थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 100 को क्रॉस करते हैं। अब आप लोग कोशिश कर लेना, अगर नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ। जैसे कि 1 85 का ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 85 ले लेते हैं, इसका वर्ग फाइंड करते हैं, किसका वर्ग फाइंड करते हैं, 85 का। तो अब आप इसके सबसे नजदीक की वो संख्या ढूंढो जो उसके पीछे में 0 हो। तो आप कहोगे 90 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 80 भी हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ घटाऊंगी, तो यहाँ 5 घटा दीजिए और यहाँ 5 क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए एक बार घटाएंगे तो यहाँ 80 रखाएगा, और दूसरी बार जोड़ेंगे तो यहाँ 90 रखाएगा कि नहीं रखाएगा, ठीक है। अब चलिए जो संख्या जोड़े घटाए थे उसी का वर्ग ऐसे बगल में लिख लेंगे। अब बताइए, आपको बताया था ना कि आगे वाली संख्या को 0 हटाना पड़ेगा, आगे वाली संख्या के पीछे जितने भी 0 होंगे उन्हें हटाना पड़ेगा। तो 1 0 है, यानी 10 से भाग दे देंगे। तो अब यहाँ आया 8 गुणे 90, तो देखिए 8 9 72 होता होगा, 720 आ गया। अब देखिए
एक जीरो मतलब एक ही जीरो से काटा था ना, तो पीछे का एक अंक जुड़ेगा, बाकी ये वाला अंक कैरी चलाएगा, यानी 320, 720 में दो जोड़ेंगे तो 722 आएगा, उसके पीछे पांच आप यहाँ रख दो बच्चों। कैलकुलेट कर लो आप लोग, क्या यही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है? कैलकुलेटर सभी के फोन में होता ही नहीं, तो आइए फिर ऐसे गुणा करके दिखाते हैं आपको। देखिए, हम 25 हंसिल लगे दो, पांच अठे 40, दो 42, आठ पंच 40, हंसिल लगे चार, आठ अठे 64, चार 68। देखिए गलत है, नहीं गलत है ना, यानी सही है रूल, लेकिन अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बच्चों, एक या दो ही सवाल किए ना, और जैसे जैसे सवालों को करते जाएंगे अपने आप बनता जाएगा। बस बच्चों क्या है कि कोई भी चीज भाई ट्रिक भी ऐसे नहीं आ जाती है बच्चों, उस पर आप वर्क करो, थोड़ा मेहनत करो तब आएगी, ये ऐसे हाथ घुमाओ थोड़ी, क्या ट्रिक का मतलब क्या है कि बैठे रहोगे लेटे रहोगे तो आ जाएगी, नहीं भाई, इस पर भी आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आज बताया कल भूल जाओगे, ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अब 100 क्रॉस करती है, तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए बता दिया, दिखाने के लिए, आई मीन 100 क्रॉस करते हैं। सबसे पहले 100 का वर्ग तो भाई कॉमन सी बात है, निकाल भी लोगे, तो चलो 101 का वर्ग निकाल के दिखाते हैं। सपोज करो 101 आ जाए, क्या आ जाए? 101। अब इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले देखो करते क्या है हम लोग, इसमें करते क्या है ये बात पता है, यानी एक घटा दे तो मतलब भाई करना क्या है कि 101 के करीब की एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके वो पीछे में क्या हो, जीरो हो, तो वह 100 ही है। तो पहले जो संख्या आप घटाएंगे वही संख्या आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक बार जब घटाओगे तो 100 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। पहली संख्या में जितने भी जीरो हो उन्हें हमें हटाना पड़ेगा, तो भाई दो जीरो है तो यानी 100 से भाग देंगे तो हट जाएगा, यहां आ गया 102 आ गया, क्या आ गया, 102 आ गया। अब देखिए, अब जो जोड़े जो घटाए थे उसी का वर्ग, यानी एक का वर्ग तो बच्चों एक ही होगा, एक वर्ग, एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा। ध्यान रहे कि यहां हमने दो जीरो से भाग दिया है, यानी ये दोनों संख्याएं ऐसे आ जाएंगी। अगर मैंने एक संख्या से, यानी अगर यहाँ एक जीरो होता जिससे भाग दिया था, तो यहाँ पे ये जुड़ाता और ये कैरी चला जाता, लेकिन यहाँ पे 100 से भाग, यानी 100 में दो जीरो होते हैं तो ये दोनों डिजिट आएंगे, ठीक है? ये जीरो यहाँ के डिसाइड करेंगे कि आप यहाँ के कितने अंक को जोड़ोगे और किसे कैरी दे दोगे। तो यहाँ पे यदि एक जीरो हो तो पीछे वाले एक अंक को लिख लेना और ये कैरी चला जाता है, और यदि यहाँ पे दो जीरो है तो ये दोनों ही अंक को उठाना और उस प्रश्न में जोड़ दो ना जो इनके गुणा करने पे आया था। नहीं समझना, कोई दिक्कत नहीं, अभी अभी तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत सारे सवालों को करेंगे। चलिए 112 का वर्ग ले लेते हैं। सपोज करिए हमें 112 का वर्ग निकालना है, तो अब आप हमें बताइए कि 112 के नजदीक की ऐसी संख्या जिसके पीछे में जीरो आ जाए, 110 तो करोगे क्या? 110 लाने के लिए सबसे पहले दो घटाओगे, तो भाई जो घटाया वही जोड़ भी दो। तो जब 112 में दो घटाओगे तो 110 आ जाएगा, और 112 में दो जोड़ोगे तो 114 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए? अब दूसरी बात को समझिए, जो संख्या जोड़े घटाए थे उसी का वर्ग लिख लिया, लिख लिया, अब यहाँ के जितने भी जीरो हैं हमें हटाना पड़ेगा, हट गया तो आया 11 × 114, 11 × 44 हासिल क्या जाएगा, 4, 11 × 11 = 11, 11 × 4 = 15, हासिल क्या जाएगा, 1, 11 × 11 क्या जाएगा, 12। ये आ गया। अब देखिए, एक जीरो से डिवाइड किया था, ये एक जीरो आके जुड़ने का मतलब ये नहीं होगा बच्चों कि आप 12 × 54 में प्लस 4 कर दोगे, जुड़ने का मतलब कि जितने यहाँ जीरो रहेंगे उधर से उतनी संख्या उठा के इसी के पीछे रख देना, ठीक है? इतनी देर से कर रहे हैं ये बात, तो आपको समझ आ ही रही होगी, आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है? चलिए और सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सवाल है थोड़ा। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 587 ले लेते हैं। सपोज करिए हमसे 587 का वर्ग पूछ लिया, क्या पूछ लिया, 587 का वर्ग पूछ लिया, तो इस स्थिति में पहले आप ढूंढिए 587 के करीब की एक ऐसी संख्या जिसके पीछे में जीरो हो। तो आप लोग कहेंगे मैम 590, गुड बच्चों, 590, यानी 590 लाने के लिए तीन जोड़ोगे तो जो जोड़े हो वही क्या कर दो, घटा दो, जो जोड़े हो वही क्या कर दो, घटा दो। करते हैं, चलिए फिर देखिए,
587 में यदि हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 590 आ जाएगा, और घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 584। और भाई जो संख्या जोड़े घटाए थे उसी का वर्ग लिख ले, न भी लिखो जीरो तो ठीक है। अब चलिए इसके जीरो को हमें हटाना पड़ेगा। अब यहाँ आया 59 गुणे 584, तो बच्चों इसका हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 584 59 गुणे, तो रुक जाइए थोड़ा सा स्याही वो चरनवाई 36 हासिल 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 नवा 72 72 3 75 हासिल 7 आ जाएगा, 9 5 45 45 7 क्या होता है बच्चों 52 होता है गुड़े। देखिए 5 4 20 हासिल 2 आ जाएगा, 5 8 40 40 2 42 हासिल 4 आ जाएगा, 5 5 25 4 29, 6 5 2 2 4, 9 5 14 हासिल 1 यहाँ यानी 3 आ जाएगा, 34 4 56 इसका गुणा करने पे आया है। अब आपको पता है यहाँ 10 यानी पीछे का 1 यहाँ अंक जुड़ेगा, बस यही क्या हो जाएगा 587 का वर्ग हो जाए। चलिए और बहुत सी सवालों की, अभी बहुत सी नहीं बोलेंगे, और कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लें 712, सब 712 का वर्ग मान लीजिए हमें फाइंड करना होगा, किसका वर्ग 712। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके करीब की एक ऐसी संख्या जिसके पीछे में क्या आ जाए जीरो, तो आप कहोगे 710, तो 710 कैसे आएगा, इसमें दो घटाने पे जो घटाइएगा वही जोड़ दीजिएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे बच्चों, तो घटा दीजिए एक बार 710 गुणे में 714 और 2 2 4 वर्ग लिख लिया। अब भाई इसका जीरो हमें हटाना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया 71 गुणे 714, उसके बाद 4 लिख लिया, लिख भी नहीं वो तो मैंने ऐसे खाली लिख दिया। अब देखिए इनका गुणा कर लीजिए, 714 गुणे में 71, 1 4 1 7, 4 7 28 हासिल 2, 7 2 9 7 7 49, पचास छ नौ चार इन दोनों का गुणा आया है, 10 है तो यानी वो वाली संख्या भी आके इसी में जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार की आप कितने भी किसी भी संख्या का वर्ग हो निकाल सकते हो। तो मैंने आपको सारी डाउट आई होप वर्ग से क्लियर हो गई, अपर भी कुछ बनी हुई है तो कमेंट कर देना बच्चों, मैं उसे भी आप लोग को समझा दूंगी, जो मुझे लगता था वो मैंने आप लोग को बता दिया कि अब आप लोग किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताने से पहले भी काफी सारे निष्कर्ष को निकाल रखा था ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तभी मैं आपके यहाँ सारे डाउट को क्लियर कर पाई हूँ। तो बच्चों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी पता चले कि भाई वर्ग निकालने की भी ट्रिक होती है और हम आसानी से 1 2 3 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 क्यों बोला, तो भाई आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब एक ऐसा बच्चा है जो आराम से कर रहा है, मतलब कि हल तो कर रहा है लेकिन दिमाग कहीं और लगा रहा है, तो भाई उसके लिए तो ये ट्रिक है, सवाल है, नियम है, उसका तपर भी नहीं आने वाला। और एक ऐसा बच्चा जिसका दिमाग सब यही है ना, तो वो तुरंत निकाल के रख देगा, ये सारी चीजें करने की जरूरत है, ये तो वो अपने से कर देगा, है ना। तो ये चीजें आप लोग खुद से कर लोगे तो बहुत जल्दी से आ जाएगा, तो इसलिए 1 2 3 4 5 कुछ भी सेकंड लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, जो बच्चा सीखना ही नहीं चाहता वो कभी कुछ नहीं कर सकता। तो आई चलिए अच्छा लगा होगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप फिर भी कुछ चीजें आपकी छूट गई हैं तो मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश जरूर करूंगी। साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों को सीखना है। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।